कल 5% खराब नतीजों की वजह से रैमको सीमेंट गिरा था, बट सारे सीमेंट स्टॉक्स गिर रहे हैं खराब सीमेंट के खराब रिजल्ट्स की वजह से, उसमें नई बात क्या है। आज सुबह 10% की फॉल रैमको सीमेंट्स में आई। नतीजों के अलावा उसमें कुछ कमेंट्री रही, कुछ और चिंताएं हैं बाजार की जिसकी वजह से ये प्रेशर आया, लेकिन आज 631 का लो बना के स्टॉक 652 पे इस समय आ गया है। एक बार चार्ट चेक लेंगे कुश या किरण के साथ, लेकिन सौमित्र मेरे साथ स्टूडियो में बताने के लिए रिजल्ट में क्या था, कमेंट्री में क्या था और बाजार की चिंताएं क्या है, व्हाई द फॉल। सौमित्र क्या हुआ यहाँ पे? तो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल जो पोस्ट मार्केट था उससे कुछ कंसर्न्स मार्केट को जो निकल के दिखने को मिली है। पहले तो जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ था वो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था Q2 में। अब हमें ये पता चला है कि कॉल में कंपनी ने ये कहा है कि जो फ्यूल कंजम्पशन था वो फ्लैटिश था, बट उसके बावजूद कंपनी का जो कॉस्ट हुआ है वो इंक्रीज हुआ। अब कंपनी ने कहा है कि उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स चेंज किए और फ्यूल मिक्स भी चेंज किया, इसी कारण ये कॉस्ट इंक्रीज हुआ। उसके साथ कंपनी ने अपने कॉल में जो कैपेक्स गाइडेंस था उसको डबल कर दिया FY23 का। पहले का कैपेक्स गाइडेंस था करीब 850 करोड़ का, उसको डबल करके 1700 करोड़ का कर दिया है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे चलते वो और 900 करोड़ स्पेंड कर सकते हैं अगर अप्रूवल्स आ जाते हैं तो ये एक और कंसर्न था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट डेट है वो 1000 करोड़ से बढ़ चुका है ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में, और अभी करीब 4800 करोड़ के आसपास है। और अगर केपेक्स गाइडेंस बढ़ा दिया गया है तो ये डेट और भी बढ़ सकता है आगे चलते, और कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी प्रीमियम पे है। तो ये इंक्रीजिंग नेट डेट है ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पे थोड़े बहुत कंसर्न की तरह वे कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो कॉन्फ्रेंस कॉल से निकल के आई है वो है कि कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो भी बढ़ चुके हैं फर्स्ट हाफ में। अभी पहले FY22 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो थे वो करीब 30 करोड़ के आसपास थे एक पार्टी के साथ, बट ये फर्स्ट हाफ में 36 करोड़ से बढ़ चुके हैं। अब दो कंपनीज के साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे वो एनालिस्ट के हिसाब से अनरिलेटेड है बिजनेस सेगमेंट्स को लेके, और वो है मदुरई ट्रांस कैरियर्स के साथ और दूसरा ट्रांजैक्शन था लिंक लॉजिस्टिक्स के साथ। ये दो कंपनीज के साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एनालिस्ट के हिसाब से अनरिलेटेड है बिजनेस सेगमेंट्स को लेके। और आखिर में अगर हम देखें तो एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ को चेस कर रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं। कंपनी ने ये कहा है कि वो वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं करीब 23-15% के लिए FY23 और FY24, और उसके सामने उनका ROCE सिर्फ 15% रहेगा, जो कि एनालिस्ट के लिए एक और कंसर्न रहा है रैमको सीमेंट्स को लेके। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित्र इन बातों को बताने के लिए। तो ये कुछ चिंताएं हैं बाजार की जिसकी वजह से स्टॉक पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन भाव बहुत सारी चीजों को डिस्काउंट करता है। आज 630 का जो लो बना है क्या उसने डिस्काउंट किया है, क्या एक बार वर्स्ट हो चुका है, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स को 6 महीने में दिखाइए डायरेक्टर साहब, इस स्टॉक को ऊपर साइड करता हुआ चला आ रहा था कुछ 600 के आसपास एक बार इसके अंदर आप, क्योंकि ये मालूम है सबको कि आगे आने वाला जो क्वार्टर है वो सीमेंट सेक्टर के लिए ब्लॉकबस्टर हो सकता है, तो ये कंपनी के लिए भी ठीक हो सकता है। इसके चलते कि भाई रॉ मटेरियल का इशू, ये सारी चीज़ें क्या इसके पीछे, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? जो दो पॉइंट्स है, पहला जो स्टॉक ने यू नो फॉल दिया है यू नो पिछले दो सेशंस में वो बिल्कुल अपने 200 डे मूविंग एवरेज से है, तो जो नेगेटिव ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा है, लेकिन आज जो स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है ये इसके मीडियम टर्म जो लेवल्स हैं 630 के यू नो जो 630 का जो लो बनाया है वहीं स्टॉक का मीडियम टर्म सपोर्ट भी है, वहीं से एक बाउंस दिया है। इफ यू आर फीलिंग टू एडवेंचरस तो मे बी आप यू नो 630 के ही स्टॉप लॉस से एक बार के लिए ऐसे लॉन्ग कर सकते हैं, बट आइडियल वही रहेगा कि थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि 600 का जो लेवल है 600 का जो जोन है यहाँ पे स्टॉक का एक यू नो अच्छा खासा बेस है, ये एक स्टॉक का मीडियम टर्म बॉटम भी है, इसके आसपास मिलता है तो आपका पे ऑफ रेशियो जो है ये और बेटर हो जाएगा। और एक बार 630 के नीचे स्टॉक जाता है और यू नो उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या जस्ट एक ट्रेडिंग बाउंस आया है दो दिन के फॉल के बाद वो भी कंफर्म हो जाएगा, तो मैं कहूंगा फिलहाल वेट करिए। 600 इज प्रॉब्ली अ बेटर प्लेस टू एंटर द स्टॉक रादर देन यू नो बीइंग अ लिटिल टू एडवेंचरस, और 630-650 के जो भी लेवल्स चल रहे हैं इसके आसपास बाय करना, 600 के आसपास बाय करिए, आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि स्टॉक का बॉटम बन चुका है या देयर इज फर्दर स्लाइड टू कम। ये है व्यू कुश का, लेकिन अच्छी कंपनियां खराब फेजेस में, उस फॉर्मूले को भूलिएगा मत, क्योंकि शानदार कंपनी है और जो चिंताएं हैं बाजार की ये बेटर है कि सामने आके एक बार आप रख दें कि हाँ भाई रॉ मटेरियल प्रेशर बहुत है, आगे आने वाले समय में कोई क्लैरिटी नहीं है रॉ मटेरियल की, कब ईज होगा, कब मार्जिन प्रेशर होंगे, ये बेहतर है, या ये बोलना सब ठीक है और आगे चल के खराब खराब नतीजे देते जाए। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जरूर अपना